तो आज का दिन प्रैक्टिकल से शुरू होने वाला है, मॉर्निंग का भी। पुराना जमाने का एक बहुत पुराना लैब है, वो आप लोगों को दिखा। देखिए कितना गंदा। और यहाँ पे एक्चुअली क्या क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सॉरी ऑप्शन, जो रिफ्रेशमेंट मिलता है तो यही खाने के लिए। देखो ये दो, दिस इज द हैदराबाद गेट। जो भी बीएचयू में आओगे तब वो जो दिख रहा है बीच में क्रेन, as you guys can see, ये है न्यू आई। Hey, good morning everyone। और आज है मेरा केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। सो आज का दिन प्रैक्टिकल से शुरू होने वाला है, मॉर्निंग का भी। और अभी बज रहा है लाइक ऑलमोस्ट 9 o'clock। और अभी जस्ट लाइक आफ्टर 10 मिनट बाद निकालने वाले हैं हम एग्ज़ाम के लिए। एंड रास्ते में हो सकता है थोड़ा बहुत पढ़ पढ़ के जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत नर्वस फील हो रहा है। ऑल्दो इट्स अ प्रैक्टिकल, बट व्हाटएवर, वी गोना सी व्हाट्स हैपन देयर। फिर जाएंगे एग्जाम देंगे एंड लेट्स गोना सी व्हाट हैपन द नेक्स्ट। एंड आफ्टर फिनिशिंग द एग्जाम आई थिंक आई माइट गो टू सबमिट द माइक्रोबायोलॉजी प्रैक्टिकल। हमारे आई एम गोना शो यू एवरीथिंग व्हाटएवर आई डू फॉर द डे। सो नाउ आई एम ऑल प्रिपेयर्ड इनफ बट स्टिल क्वाइट नर्वस फॉर द प्रैक्टिकल एग्जाम व्हिच आई एम हैविंग टुडे, केमिस्ट्री व्हाटएवर। सो लेट मी गो नाउ। गॉट आउट फ्रॉम होम, वेटिंग फॉर गर्वित, क्योंकि गर्वित के साथ दोनों एक साथ जाएंगे एग्जाम देने के लिए। जस्ट इन फ्रंट ऑफ माई हाउस थोड़ा जल्दी निकल गया, क्योंकि अंदर में ठंड लग रहा था, तो धूप सेकनी है एक तरफ से। इसी के साथ एक साथ जाएंगे अंदर मिशोई। दिस इज द होम ऑफ गर्वित एंड दिस इज द प्लेस वेयर आई लिव, ये मेरा है और ये है गर्वित का। दिस इज मी हु इज वेटिंग फॉर हिम। सो आई थिंक ही इज गोना कम, आ रहा है नीचे, आई एम वेटिंग। फिर जाएंगे दोनों एक साथ एग्जाम देने के लिए। सो फाइनली गाइस, हम लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और हम आए रहे हैं एक्चुअली पानी लेने के लिए। लेकिन पुराना ज़माने का एक बहुत पुराना लैब है, वो आप लोगों को दिखा। देखिए कितना गंदा और घटिया लैब है, ये बहुत कचरा है। लेकिन हम लोग का प्रैक्टिकल जो है ना, वो नीचे हुआ, यहाँ नहीं हुआ। हम लोग वाला नीचे मॉडर्न ज़माने का, हम लोग वाला मॉडर्न ज़माना का है नीचे में। तो हम लोग अभी दिखाएंगे, और नीचे में बहुत सारे लोग हैं एग्ज़ाम देखे निकले हुए हैं। और हम ऊपर आए हैं और थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं, और अभी एक्चुअली पानी लेने आए हैं। थोड़ा करके फिल्टर रखा हुआ है, और इधर में पता नहीं कहाँ जाते। देखिए पूरा म्यूजियम सिस्टम है, क्या ही करे। गंदा नहीं लग रहा है, यहाँ से पानी दे रहा है, कितना कचरा है। अभी नीचे में आप लोगों को दिखा रहे हैं क्या क्या है, कितने सारे लोग बैठे हुए हैं। कोई कोई तो ब्लॉग में आना नहीं चाहेगा, लेकिन जो जो आना चाहेगा देख के, शक्ल देख के उन लोगों को ला रहे हैं, देख दिखा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये हम लोग का प्रैक्टिकल, ये देखो यही है हम लोगों का जहाँ पे एग्जाम हुआ था, वो देखिए टीचर्स लोग एंड अस। कैसा गया एग्जाम? बस कुछ भी करके आ गए। तेरा एग्जाम कैसा गया? पता नहीं, मेरे को आसान क्वेश्चन मिला, मैं कर दिया। लेकिन बात ये है कि वैल्यू का पता नहीं मिलेगा कि नहीं, लेकिन जितना किया जैसा गया वो अच्छा गया, अच्छा गया। नेवर, दैट्स इट। सो नाउ वी विल बी हेडिंग टू होम विद गर्वित, क्योंकि हम दोनों एक ही साथ रहते हैं आसपास। बॉटनी डिपार्टमेंट आई है, क्योंकि मैंने कॉपी सबमिट नहीं किया था माइक्रोबायोलॉजी का, तो इन लोगों ने कुछ कॉपी सबमिट किया हुआ है, तो ये लोग अपना कॉपी लेने आए। मैं तो अभी तक लिखा भी नहीं, एंड ऑल राइट, एंड आफ्टर राइटिंग देन आई विल सबमिट। एंड दिस इज द एनवायरमेंटल साइंस, और ये है कुछ प्रोफेसर्स लोगों का, केविन, और ये लोग जा रहे हैं अपना कॉपी लेने के लिए, जो भी प्रोफेसर के वहाँ सबमिट किए उस प्रोफेसर से। एंड क्या राम पीछे पीछे जो कि कॉपी भी नहीं दिया, सिर्फ एग्जाम का डिस्कशन चल रहा है इन लोगों का मुंह से, और ये लोग जितना डिस्कस कर रहे हैं उतना गुस्बा मार रहे हैं हमारा। लेकिन बात ये भी है कि इन लोगों को अलग से एक्सपेरिमेंट मिला, मुझे भी अलग से एक्सपेरिमेंट मिला, आई एम मैचिंग विद देम, मेरा वाला डिफरेंट है। और ये भी बीच बीच में सुन रहा है मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, तू सुन रहा है, तू 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 आ गए सेकेंड फ्लोर में, अच्छा सॉरी थर्ड फ्लोर में प्रोफेसर्स का जो भी केबिन है, जहाँ पे भी हम लोगों ने मतलब इन लोगों ने सबमिट किया है कॉपी, फिर ये लेके जाएंगे लाइब्रेरी। आफ्टर लाइब्रेरी मैं तो घर चला जाऊँगा, मैं लाइब्रेरी नहीं जाने वाला, आई एम गोना हैव फूड। एनी आइडिया ये क्या है? आई थिंक आई हैव शोन यू इन द रियल, अगर नहीं देखे तो देख लो। ये एक्चुअली नया लाइब्रेरी जो कंस्ट्रक्शन हो चुका है अभी तक, लेकिन पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है, इस लाइब्रेरी बन रहा है।
एंड ये है टेरेस, ये ऑलरेडी मैं थर्ड फ्लोर में आ गया था। वो लोग गए अपने कॉपी लेने के लिए, जबकि मैं कॉपी नहीं सबमिट किया, इसलिए मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, वेट कर रहा हूँ उन लोगों के लिए। और यहाँ पे ना कुछ ज़्यादा ही सोलर का पैनल लगा, लाइक सोलर सीट अराउंड, देख सकते हो ये सोलर। और पीछे में सीनियर्स लोग पता नहीं कर रहे हैं, सीनियर बैठे हुए वहाँ पे, शायद कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। उन लोगों का शायद IMB का क्लास है माइक्रोबायोलॉजी का, इसलिए आए हुए हैं। हम लोग का तो एग्ज़ाम ही चल रहा है, फिर जितना सुना शायद 6 तारीख से नया सेशन शुरू होगा। देखो ये दोनों कितना खुश होकर वापस लौट रहे हैं, जबकि उन लोग का कॉपी अभी तक चेक नहीं हुआ है, सबमिट किया हुआ है। फिर से कर दोबारा। कॉपी सबमिट नहीं हुआ ना तुम लोगों का, मतलब सबमिट हुआ चेक नहीं हुआ? फिर से झूठ बोला। तो कॉपी कहाँ है तेरा बैग में? आदमी का शक्ल देख के फिल्टर अपना पानी निकालता है, नहीं तो नहीं निकालता। ये कौन सा अच्छा है? आप लोगों को थोड़ा बहुत एंसिलरी फॉर्म क्या होता है वो दिखाता हूँ। एक्चुअली एंसिलरी फॉर्म वो होता है जो सेकेंड सेमेस्टर में हम लोगों का और एक जो कॉम्बिनेशन जुड़ जाता है वो है, जो हम मैंने पिछले ब्लॉग में भी मेंशन किया था। देख आदमी सामने वाला नहीं दिखा रहा है क्योंकि उसमें उसका पूरा दुनिया भरा हुआ है। तो इसलिए बस इतना ही देख लो। यहाँ पे एक्चुअली क्या क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सॉरी ऑप्शन, जो जो लेना है एंसिलरी में प्रेफरेंस वाइज भरना है, तो हमने भी यही भर के दे दिया था। ये पीछे वाला थोड़ा सा देख लो, ये इसका दुनिया है यहाँ पे। ले भाई ले ले गर्वित। अभी गर्वित जाएगा एनसीलरी फॉर्म सबमिट करने, ये दोनों जाएंगे लाइब्रेरी, मैं गर्वित के लिए रुकूंगा क्योंकि हम दोनों एक साथ चले जाएंगे। ये लोग ना एक्चुअली यहाँ पे खाने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी सेमिनार चलता है यहाँ पे BHU में, तो वहाँ पे रिफ्रेशमेंट मिलता है, तो यही खाने के लिए। देखो ये दोनों जा रहे हैं अभी पूछने के लिए, अभी देखना गार्ड कैसे इन दोनों को भगा देता है। मैं देखा हुआ हूँ, वो देखो वो देखो। खाने के लिए रिफ्रेशमेंट के लिए जा रहे हैं, जबकि यह हम लोग का है ही नहीं। क्या रे तेरा डिपार्टमेंट का चल रहा है क्या, जो खाने के लिए रिफ्रेशमेंट मिलेगा आराम से? कुछ नहीं मिल रहा, बोल मिलेगा सारे दिन बाद, तब तक खाना खत्म हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है इन लोगों का इस ये सब काम में, है ना? जा दोबारा जा। से रिफ्रेशमेंट नहीं मिला तो यहाँ से अभी खाने के लिए आए हैं। एक आ गया छोला भटूरा, दूसरा और भी है उधर आ रहा है, अभी तक के लिए यही से काम चलाएंगे चारों लोग। दूसरा आ गया दो दो डोसा, ये है अपना सस्ता वाला बोल कॉफी। फाइनली लूडो वगैरह खेल लिए खाने के बाद, क्योंकि तुरंत वापस घर जाने का मन नहीं था, तो हम लोगों ने खेला। अभी बहुत नींद आ रहा है क्योंकि वहाँ पे बहुत टाइम पास कर लिया, जबकि खाने के बाद वहाँ पे नींद आ रहा था, तब भी जबरदस्ती वहाँ पे दोस्त लोग थे तो लूडो खेल लिए थे। और बात ये है कि ट्विस्ट गेम का गर्भित हार चुका है, हार चुका है इन द सेंस मैं उससे पहले जीत गया, मैं सेकेंड हूँ भाई। और बूटी जो है वो चीटिंग करके फंस आ गया, दूसरों का जो गोटी है उसको चाल के मेरा मेरे को इसलिए थर्ड बनाया। और हम लोग अभी हम लोग का हैदराबाद गेट एरिया, यू कैन सी दिस इज द हैदराबाद गेट, जो भी BHU में आओगे तब पता चलेगा हैदराबाद गेट इज दिस। मेन गेट बीच में बंद रहता है, बस छोटा छोटा करके दो साइड खुला रहता है, एंड दिस इज द मेन रोड व्हिच इज आउट ऑफ द BHU कैंपस राइट नाउ हियर। Finally, I reached home, and yeah, the day went quite well. Practical bhi acha gaya, sab kuch acha gaya. And now, as you guys can see, I'm now up at the terrace. Let me show you the view. This is the view from my house. Look at the sun. Kitna acche se sunset ho raha hai. And this is
माई एरिया मत आई मीन मुझे कॉलोनी जहाँ पे मैं रहता हूँ, और वो जो दिख रहा है बीच में क्रेन, एज़ यू गाइस कैन सी, ये न्यू आईआईटी हॉस्टल का कंस्ट्रक्शन जो मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखाया था, और जितना सारा रेड बिल्डिंग दिख रहा है वो सारा पार्ट ऑफ आईआईटी बीएचयू है। या और ये है हमारा घर, आई मीन नॉट हमारा घर, जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो यह सारा कपड़ा सूखा हुआ है। एंड यू कैन सी द सनसेट एंड टुडे द होल स्काई लुक्स सो ब्यूटीफुल। एक्चुअली क्या हुआ था, मैं जब आ रहा था ना तब मेरा जो स्पीकर था जो यहाँ पे मेरा हमेशा लगा हुआ रहता है उसका चार्ज ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से आधा रिकॉर्ड हो पाया और बाकी जो है आउट ऑफ साउंड हो गया, मतलब साउंड ही नहीं रिकॉर्ड हुआ उसमें। तो उसको अभी चार्ज पे लगाया एंड आई केम टू द टेरेस थोड़ा बहुत रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि रूम के अंदर थोड़ा डिप्रेसिंग सा फील हो रहा था, सो दैट्स व्हाई आई केम टू टेरेस। एंड अभी थोड़ा देर में नहाऊंगा, नहा धो के एंड देन आई बी टेकिंग रेस्ट फॉर अ वाइल, आई मीन टेक अ नैप, स्मॉल नैप, फिर उसके बाद उठ के पता नहीं जो होगा आगे देखा जाएगा। सो ऑल दिस फॉर द ब्लॉग एंड आई होप यू गाइज लाइक इट एंड एन्जॉय, and so please do share the vlog, subscribe, and yeah, of course as you watch till this you should give a like if you do so. Thanks for watching, see you in the next vlog.